आज हम आपको कैंसर और अन्य बड़े से बड़े असाध्य रोगों का इलाज करने वाले वैद्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस जानकारी को शेयर कर जनहित में पहुंचाएं ताकि लोगों का भला हो, वो रोग मुक्त हो जाएं। इस जानकारी को पीड़ितों तक पहुंचाने पर लोग आपको आशीर्वाद देंगे और भला हो यही कहेंगे। इस अमूल्य जानकारी को शेयर कर मानवता का फर्ज निभाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान्हावाड़ी गांव की। हम आपको बता दें कि कान्हावाड़ी गांव जिला बैतूल के यहाँ पर कैंसर का कारगर इलाज होता है और यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। वैद्य बाबूलाल पूरा पता बैतूल जिला से 35 किलोमीटर घोड़ा डोंगरी और वहाँ से कान्हावाड़ी 3 किलोमीटर दूर है। मिलने का समय रविवार और मंगलवार सुबह 8 बजे से, पर वहाँ पे नंबर बहुत लगते हैं इसलिए अगले दिन रात को जाना पड़ता है। वैसे तो बैतूल जिले की ख्याति सतपुड़ा के जंगलों की वजह से है, लेकिन यहाँ के जंगलों में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को खत्म कर देने वाली बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ मिलने से भी ये देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दवा लेने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में मरीज पहुँचते हैं। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के ग्राम कान्हावाड़ी में रहने वाले भगत बाबूलाल पिछले कई सालों से जड़ी बूटी एवं औषधियों के द्वारा कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को छुटकारा दिलाने में लगे हुए हैं। इस नेक कार्य के बदले में लोगों से वो एक रुपए तक नहीं लेते हैं। कैंसर बीमारी से निजात के लिए देश भर से लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं, क्योंकि मरीजों को उनकी दवा से फायदा पहुँचता है। इसलिए उनके यहाँ हर रविवार और मंगलवार को दिखाने वालों का तांता लगा रहता है। हम आपको बता दें कि कान्हावाड़ी में इलाज के लिए बाहर से आने वाले लोगों को एक दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। एक दिन में करीब 1000 से ऊपर मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं। खासकर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए यहाँ एक दिन पहले ही रात में आ जाते हैं। सुबह से नंबर लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। कई बार भीड़ अधिक होने के कारण 5 से 6 दिन तक लग जाते हैं। बताया जाता है कि मुंबई, लखनऊ, भोपाल, दिल्ली सहित देश भर से लोग जिन्हें पता लगता है वो यहाँ कैंसर से छुटकारे की आस लेकर जरूर पहुँचते हैं। वैसे अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि कोई यहाँ से इलाज कराने के बाद मायूस लौटा हो। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि भगत बाबूलाल जो जड़ी बूटी देते हैं उसका असर परहेज करने पर ही होता है। जड़ी बूटियों से इलाज के दौरान मांस मदिरा सहित अन्य प्रकार की सब्जियां मना कर दी जाती हैं, जिसका कड़ाई से पालन करना होता है, तभी इन जड़ी बूटी वाली दवाइयों का असर होता है। वैसे जिन लोगों ने नियमों का पालन कर दवाओं का सेवन किया है उन्हें काफ़ी हद तक इसे छुटकारा मिला है। बताया गया है कि बाबू भगतलाल सुबह से शाम तक खड़े रहकर ही मरीजों को देखते हैं। इलाज के मामले में वो इतने सिद्धस्थ हो चुके हैं कि नाड़ी पकड़कर ही मर्ज और उसका इलाज बता देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।